हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं फार्माकोलॉजी, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको देखने के बाद लगता है कि हम सच में फार्मेसी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो यूनिट सेकंड चल रही थी, और अब से हम ट्राई करेंगे जब तक इस यूनिट सेकंड को कंप्लीट ना कर दें तब तक डेली इसकी वीडियो लेकर आएंगे। और बात करें यहाँ पर, तो हमारा जो इसमें टॉपिक चल रहे थे वो थे रिसेप्टर। तो रिसेप्टर को एक्चुअल में ये हमारे सिग्नल ट्रांजिशन मैकेनिज्म वाले थे, पांच थे हमारे यहाँ पर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, आयन चैनल रिसेप्टर, और फिर हमारा तीसरा था ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, चौथा हमारा था ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर, और पांचवा हमारा था यहाँ पर रिसेप्टर दैट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, तो पांच हमारे थे, तो इसमें से हम तीन को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जी प्रोटीन वाला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके तीन हमारे अलग पाथवेज थे, वो भी हम सारा कुछ देख चुके हैं, आयन चैनल भी देख चुके हैं, और ये वाला भी देख चुके हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर। तो आज हम बात करेंगे अपने यहां पर बेसिकली दो टॉपिक के। पहला हमारा इसमें होगा जैक स्टेट पाथवे, और दूसरा हमारा यहां पर होगा रिसेप्टर दैट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यानी कि हम कह सकते हैं जीन रेगुलेशन को अफेक्ट करने वाले। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो बस यही है कि ये आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हो जाके देख लेना, क्योंकि एक तो रिलेटेड है और ये वाला ज़्यादा आपको समझ आएगा, तभी आपको आगे की कहानी भी बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं फिर। तो यहाँ पर हमारा पहला रिसेप्टर है ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर। तो इसकी कहानी क्या होती है, कैसे होती है, हम सारा कुछ समझते हैं। तो एक सिंपल बात ये समझ लो कि इससे पहले जो हमने अपना कवर किया था वो हमारे यहाँ पर था ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर, और कुछ वो इस तरह देखने को कहा। तो ये वाला आपने नहीं देखा हो देख लेना, इसका आप सारा कुछ फंक्शन समझ लेना, क्योंकि ये दूसरा वाला है वो कुछ इसी से मिलता जुलता है। तो देखने में तो वो इसी तरह लग रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन बात करें यहाँ पर तो जो हमारा ये वाला था, यहाँ पर हमारा एक कैटालिटिक बाइंड डोमेन था, यानी कि इसको हम आरटीकेज बोल रहे थे, यानी कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, और इसका मेन रोल था, यानी कि पूरे के पूरे इसमें इसका बहुत बड़ा मेन रोल था। लेकिन जो हमारा ये वाला है ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर, इसमें हमारा ऐसा कोई भी कैटालिटिक डोमेन प्रेजेंट नहीं होता है, ये हमारा सिंपली क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है। अब आगे की कहानी समझते हैं। इसमें हमारी बेसिकली दो चीजें होती हैं, पहला हमारा इसमें होता है जैक और दूसरा हमारा इसमें होता है स्टेट। और ये क्या-क्या चीजें हैं, तो देखो जैक हमारा एक यहां पर एंजाइम है जिसकी फुल फॉर्म होती है यहां पर जेनस काइनेज। ठीक है, क्या होती है फुल फॉर्म, जेनस काइनेज, और काइनेज वर्ड से आप समझ गए होंगे ये हमारा क्या, एक एंजाइम है। दूसरी हमारी यहां आती है स्टेट, और स्टेट की हमारी फुल फॉर्म होती है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये आपको दिख रही होगी, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और ये एक्चुअल में क्या है, ये एक प्रोटीन्स होती हैं जो फ्रीली मूव करती हैं यहां पर। ठीक है, सेल के इनसाइड है ये दोनों चीजें हमारी, तो ये हमारी फ्रीली मूव करते हैं। तो ये दोनों चीजें आप लोग यहां समझ गए होंगे, बाकी यहां पर और आप डायग्राम में देखो तो ये हमारे कुछ इस तरह होती हैं। ये हमारा अभी तो सिंगल सिंगल फॉर्म में होते हैं, मैंने यहां पर दो बना के दिखा दिए जिससे आपको मैं आगे कहानी समझा सकूं। तो एक हमारा ये रिसेप्टर है, एक ये रिसेप्टर है, और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे और भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं कई सारे, और ये हमारे कुछ लिगेंड्स हैं। ठीक है, अब बात करें यहां पर लिगेंड्स हमारी वो चीज होती है जो हमारे रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट करेगी और फिर अपना असर दिखाएगी। तो यहां पर हमारे लिगेंड्स क्या-क्या हो सकते हैं, तो कुछ हमारे साइटोकाइनिन हो सकते हैं, कुछ हमारे ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे हो सकते हैं, प्रोलैक्टिन हो सकती है, इंटरफेरॉन होते हैं, ये हमारी कुछ चीजें हैं जो हमारी इस वाले रिसेप्टर पे यहां आके बाइंड हो सकती हैं और फिर इसको एक्टिवेट कर सकती हैं। तो ये आपने यहां चीजें जान ली हैं। ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि एक्चुअल में ये अब हमारे सारा काम कैसे करता है। ठीक है, तो सिंपल हमको सारा कुछ तो पता ही है कि ये हमारा रिसेप्टर है और कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में एक्शन करेगा जब इसके ऊपर आगे कोई हमारा ड्रग या कोई हार्मोन बाइंड करेगा। अब इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह समझो कि मैं आपको डायग्राम के बेसिस पे समझाता हूं, ऐसे इजी होगा। देखो, तो सबसे पहले आपने ये देख लिया कि हमारा ये कुछ इस तरह था, आपने सारी चीज जान ली। अब पहला काम क्या होता है आपको बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे जो लिगेंड्स होंगे वो इन पर जाके बाइंड करेंगे, यही काम होगा ना। तो बस सिंपल यहां हो गया कि जैसे मैंने आपको बताया लिगेंड्स हमारे यहां के बाइंड हो गए, जिसको हमने साइटोकिन, हमने यहां आपको बताया क्या क्या बाइंड हो सकते हैं, ये सारी चीजें थी, तो हमने पहला वाला यहां पर उठा दिया और इसको हमने यहां पर बाइंड कर दिया। तो लेट करोगे यहां पर हमारा साइटोकिन था, वो हमारा क्या हो गया, इस बाइंडिंग साइट पर जाके बाइंड हो गया। अब क्या होता है कि जैसे ही हमारे इस पर बाइंड होता है, हमारे ये दो थे, ये हमारे वैसे दो क्या थे, डिफरेंट थे, थोड़े डिस्टेंस पे थे, अलग अलग थे। जैसे ही हमारे यहां पर लिगेंड बाइंड होगा, ये क्या करेंगे, आपस में अटैच हो जाएंगे और एक डाइमर फॉर्म क्रिएट करेंगे। डाइमर मतलब दो चीजों से मिलता है, एक हमारा ये सिंपल मोनोमर कहलाता है, मोनो मतलब एक, मर्स मतलब आप ये समझिए कोई भी एक समीक्षण चीज है, और डाइमर हो गया यानी कि दो का एक गुच्छा समझ लो, दो का यहां जुड़ गया। और जैसे ही हमारा लिगेंड बाइंड होता है, ये हमारे दोनों आपस में आ जाते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि ये वाला जो हमारा इसका हिस्सा है, यहां पर हमारे जो जैक वाले जो काइनेज एंजाइम है, ये आके यहां पर क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, यानी कि लिगेंड्स के ही लगते हैं, इनके पास यहां पर जो इनकी एफिनिटी है इस जैक को अपने पास अटैच करने की, वो यहां पर बढ़ जाती है और यहां दोनों पर क्या हो जाते हैं, हमारे एक एक जैक आके अटैच हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह आपको यहां पर ये देखने को मिलेगा। और जैसे ही हमारा जैक यहां अटैच हो जाता है, अब जैक हमारा क्या है, एंजाइम है, तो ये अपना काम तो करेगा, एंजाइम का काम होता है कुछ ना कुछ एक्शन प्रोड्यूस करना। तो ये क्या करता है, सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फोराइलेशन कर देगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जैक और यहां पर क्या हो जाएगा, एक पीपी आपको ग्रुप यहां अटैच दिख रहा होगा,
होगा, तो अब हम इसको बोलेंगे फॉस्फोराइलेटेड जैक, और जैक हमारा क्या है, एंजाइम है। तो इस तरह हमारा सारा सीन हो जाता है। अब यहां पर एक और चीज हमारी होती है जो मैंने आपको बताया था, स्टेट, जो हमारी क्या है, फ्रीली मूविंग प्रोटीन है, जो हमारी सेल के अंदर प्रोटीन हमारी ऐसे ही, मतलब बहुत चीजें होती हैं जो हमको जरूरत होती है उसका काम हो जाता है। तो ये हमारी फ्रीली मूविंग क्या है, एक स्टेट, एक प्रोटीन है, आप इतना समझ गए। अब क्या होता है कि जैसे ही जैक हमारा यहां जाता है, जैक एक्टिवेट हो जाता है, और जैक एक्टिवेट होने के बाद यहां फॉस्फोराइलेशन कराता है खुद की, और उसके बाद जैक क्या करता है कि अब वो जो फ्रीली घूम रही थी स्टेट हमारी प्रोटीन, उसको अपनी ओर खींच लेता है। यानी कि अब ये जैक पहले यहां जाके अटैच हो गया, अब जैक क्या करेगा कि इनको अपनी तरफ खींचेगा। यहां मैंने एक बनाई है लेकिन ये बहुत सारी यहां पर होती हैं, तो एक एक पर दोनों एक एक यहां आ जाती है। और देखो पहली हमारी यहां पर एक स्टेट जुड़ गई यहां पर प्रोटीन, और दूसरी हमारी यहां पर जुड़ गई स्टेट प्रोटीन, और दोनों की दोनों प्रोटीन यहां पर क्या हो गई, बाइंड हो गई। और अब क्या होगा कि जैसे ही हमारी यहां बाइंड होती है, जैक क्या करेगा, इसको ये एक्टिवेट हो गई, क्योंकि ये यहां बाइंड हुई तो एक्टिवेट हो जाएंगी, और दूसरा काम क्या होगा कि ये भी हमारी फॉस्फोराइलेटेड हो जाती है। और एंजाइम का मेन काम भी हमारा क्या होता है, ये फॉस्फोराइलेशन कराता है। तो अब क्या किया, जैक पहले तो खुद हो गया फॉस्फोराइलेशन, और अब उसने क्या किया, अब उसने जो स्टेट हमारी प्रोटीन थी इसको भी उसने फॉस्फोराइलेटेड कर दिया। तो अब आपको यहां पर पीपी दोनों चीजें दिख रही होंगी, और जैसे ही हमारे ये फॉस्फोराइलेटेड हो जाती है, इसके बाद क्या होगा कि अब ये दो हमारे दोनों स्टेट थे ना प्रोटीन, ये हमारे डाइमर फॉर्म करेंगे। यानी कि अभी ये अलग-अलग थे, अब ये क्या हो जाएंगे, डाइमर की तरह फॉर्म करेंगे, और यहां से डिटैच हो जाएंगे, अब ये यहां से निकल जाएंगे। मतलब आप सिंपल इतना समझो कि पहले ये हमारे फ्रीली घूम रहे थे, अलग-अलग घूम रहे थे, अब इसका मेन काम क्या हुआ, स्टेट जो हमारा प्रोटीन है कि ये इस जैक की मदद से यहां पर गया, फॉस्फोराइलेट हुआ, और खुद को एक डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट किया। यानी कि पहले सिंगल सिंगल थे, इस वाले के एक्सेप्ट होने की वजह से एक डाइमर यानी कि डबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब क्या हुआ कि जैसे ही यहां पर निकल के आया, ये हमारा कुछ इस तरह आपको दिख रहा होगा, अब ये हमारा डाइमर फॉर्म में होने के बाद ये यहां से निकल जाएगा इस वाले रिसेप्टर से, और यहां निकलने के बाद ये फिर कहां जाता है, न्यूक्लियस में जाता है। अब न्यूक्लियस क्या, मैं आपको अगर एक झलक दिखाऊं जो हमारे नेक्स्ट वाले में काम आएगी, तो जैसे ये समझो कि ये एक हमारा क्या है, सेल है पूरा, ये आपको दिख रहा होगा, ये चारों हमारी दीवारें हैं, गोल की जगह मैंने थोड़ा रेक्टेंगुलर फेस में बना लिया है, सेल है, और उसके अंदर का ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस वाला पार्ट है। और तो हमारा ये वाला जो स्टेट है, ये हमारा जो स्टेट प्रोटीन है, ये क्या होगा, अब ये एक्टिवेटेड भी है और फॉस्फोराइलेटेड भी है, तो अब ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे जीन्स प्रेजेंट हैं, क्रोमोसोम वाली चीजें, डीएनए वगैरह, ये जितना हमारा जेनेटिक मटेरियल है वहां पर जाएगा, और उसको क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होगा, सिंपली हमारा डुप्लीकेट करेगा या और चीजें बनाएगा, या डीएनए से आरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, तो ये सारे काम है, ये सब हम और देखेंगे बाद में। तो बस यहां पर आप इतना समझो कि अब ये क्या करेगा, हमारा रेगुलेट करेगा जीन ट्रांसक्रिप्शन को, और जैसे ही हमारे सेल के अंदर को जीन्स वगैरह में बदलाव होगा, तो हमारे पूरे सेल में भी तो चेंज हो जाएगी, जिसको हम यहां पर क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब इसका एक एग्जांपल आप सिंपल ऐसे समझो कि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो वो क्या करता है, वो आरएनए वायरस है एक, और आता है बॉडी में, वो भी क्या करता है, उसका काम कुछ इस तरह ही होता है, वो हमारा अंदर आएगा और जो हमारे जीन ट्रांसक्रिप्शन है इसको रेगुलेट कर देगा, इसमें कुछ ना कुछ चेंज डालेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आपको इतनी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये हमारा उसी तरह कुछ काम करता है। तो आप लोग यहां समझ गए होंगे, ये हमारा इसका सिंपल फंडा है कि अब ये हमारा क्या करेगा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, एक नजर और डाल लेते हैं। सिंपल हमारा क्या था कि सबसे पहले हमारे कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, ये बाइंडिंग साइट्स है इसकी, ये हमारे कुछ लिगेंड्स होते हैं, यहाँ पे जाके बाइंड करेंगे, ये ऊपर का हिस्सा इसका एक्स्ट्रा सेलुलर वाला, ये अंदर का हिस्सा इसका इंट्रा सेलुलर है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ के अंदर हमारे कुछ जैक काइनेज प्रेजेंट होते हैं, और हमारी कुछ स्टेट प्रोटीन्स होते हैं, ये हमारी फ्रूली यहाँ पर फ्रीली मूव करती हैं। अब जैसे ही हमारा कोई लिगेंड यहाँ जाके बाइंड करता है, ये क्या करेगा कि इन दोनों को आप इकट्ठा समझिए क्या होता है, जैसे यहाँ बाइंड किया, ये हमारे पास पास आए, दोनों पे एक एक हमारा जैक जो एंजाइम था वो जाके बाइंड हो गया, और जैक ने क्या किया, फॉस्फोराइलेशन किया, और ये सारा काम का हो रहा है, हमारा इंट्रासेलुलर हो रहा है, यानी कि सेल के अंदर हो रहा है, ये जहां के जाके बाइंड किया, बाइंड होने के बाद क्या होगा, ये हमारे फॉस्फोराइलेटेड होगा पी। अब जैसे ही हमारे फॉस्फोराइलेटेड हो जाएंगे, ये हमारे जो स्टेट वाली प्रोटीन फ्री घूम रही थी उसको भी अपने पास बुला लेते हैं, और वो भी यहां जाके अटैच हो जाएगी, और जैक क्या करेगा फिर कि भाई इसको जैसा खोदता वैसा इसको भी कर देगा, और ये भी हमारी क्या हो जाएगी, फॉस्फोराइलेटेड, और जैसे ही हमारी हो जाएगी, ये हमारी फिर इसके बाद डिटैच हो जाएगी, और देन ये हमारी न्यूक्लियस में अंदर चली जाएगी, और न्यूक्लियस में जाने के बाद ये वहां पर जो जीन टैंक है उसको रेगुलेट करेगी, और उसके बाद हमारी बॉडी में जो हमको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा सिंपल यहां पर फंडा था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम दूसरा अपना टॉपिक समझते हैं, जिसका नाम है रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, और यहां पर आप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जीन एक्सप्रेशन में अगर चेंज होगा तो हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यानी कि डीएनए से आरएनए बनना, ये काम भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक मैंने देखा बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और बहुत लोगों को इसका मतलब क्लियर ही नहीं मिला, तो आज मैं आपको यहां पर क्लियर और एकदम बढ़िया तरह से यहां समझाने वाला हूं, बस आप यहां पर देखते रहिए। तो पहली बात यह है कि जितने अब तक आपने रिसेप्टर देखे, सारे या तो हमारे सेल के ऊपर प्रेजेंट थे, या हमारे सेल में ही, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी थी ना ऊपर की सेल वॉल, उसी में प्रेजेंट थे, ये आपने देखा। लेकिन जो हमारे ये वाले रिसेप्टर हैं, जो हमारे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे, वो हमारे क्या है, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं, यानी कि ये हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, इनसाइड द सेल।
जैसे लेट समझो कि ये हमारा एक सेल है, तो इस सेल के अंदर इस साइड पे ये हमारे क्या होंगे, रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इतना आप समझ गए। चलिए अब हम आगे समझते हैं बात क्या होती है इसकी, कि ये वाले जो हमारे रिसेप्टर हैं ये एक्चुअल में क्या करते हैं, प्रोटीन को कंटेन करते हैं। तो मैं आपको यहाँ प्रोटीन को दिखा देता हूँ। जैसे लेट करो आप पहले डायग्राम को समझ लो, ये आपको बाउंड्री दिख रही होगी, ये हमारी क्या है एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल है, और ये हमारे सेल के अंदर का सारा सीन है। और ये वाला जो पार्ट है ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है न्यूक्लियस है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, जहाँ पर डीएनए आरएनए हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारा क्या है न्यूक्लियस वाला हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पर इस साइड समझो, यहाँ पर ये हमारी जो प्रेजेंट है ये हमारा क्या है कि बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग डोमेन है, जिसको हम प्रोटीन भी बोल सकते हैं। सिंपल आप इतना समझ गए। चलिए अब हम कहानी समझते हैं कैसे क्या होता है यहाँ पर। तो ये वाले जो हमारे प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन हमारे जो लिपिड सॉल्यूबल वाले कंटेंट होते हैं उनके लिए ये हमारे क्या होते हैं सेंसिटिव। अब इसको सिंपल ऐसे समझो कि हम जानते हैं जो हमारी सेल वॉल होती है, जो हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इनकी बनी होती है, तो इसको कौन पेनिट्रेट करेगा इजी तरीके से, इसके अंदर कौन आएगा, जो कंपाउंड हमारा लिपिड सॉल्यूबल होगा इजी तरीके से आएगा ना। तो वही है कि ये हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये वाले रिसेप्टर, तो इस वाले रिसेप्टर पे आगे वही चीज अच्छे से बाइंड होगी जो हमारी इस वाली सेल वॉल को क्रॉस करेगी। और ये सेल वॉल हमारी लिपिड सॉल्यूबल की, तो यहां पर सिंपल फंडा है कि जो भी हमारे स्टेरॉइड या हार्मोन है, यानी कि जो कोई भी हमारा लिगेंड है जो हमारा लिपिड सॉल्युबल होगा, वो हमारा आके यहां पर इजी बाइंड कर सकता है। तो इसीलिए यहां पर बोल दिया है कि ये हमारे कौन होते हैं लिपिड सॉल्युबल वाले कंटेंट के लिए ये हमारे क्या होते हैं सेंसिटिव होते हैं, यानी कि उन्हीं के लिए हमारे क्या देंगे रिस्पांस देंगे। इतना फंडा आप समझ गए। अब यहां पर क्या होता है, सिंपली बात यहां पर आप ऐसे समझिए कि ये वाला जो हमारा ये आपको रिसेप्टर यहां दिख रहा होगा, एक तरह से आपको इसको प्रोटीन बोल सकते हैं, ये हमारा क्या होता है अंदर, मैं आपको कहानी बिल्कुल समझाता हूं स्टार्टिंग से, कि ये वाला जो हमारा फंडा है ना, ये हमारा इस न्यू पहले हमारा ये साइटोसोल में प्रेजेंट है, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है ना इसके बाहर प्रेजेंट है। अब जैसे यहाँ पर कोई जाके बाइंड होता है ना, ये हमारा क्या हो जाता है अंदर पहुंच जाता है, और अंदर जाके ये हमारा है एक्चुअल में जेनेटिक मेटेरियल, जिसको हम डीएनए बोल सकते हैं, तो वहां पे जाके ये बाइंड करेगा, और तब जाके वो इस जीन में क्या करेगा, कुछ ना कुछ चेंज कर देगा, रेगुलेट करेगा, या इसमें कुछ ना कुछ बदलाव करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगी और हमारा एमआरएनए डेवलप हो जाएगा, और फिर ये एमआरएनए क्या करेगा राइबोसोम में जाएगा, और राइबोसोम का काम क्या होता है एक्चुअल में आपको बताया प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब ये क्या करेगा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और प्रोटीन सिंथेसिस होने की वजह से क्या हो जाएगा यहां पर अब कि अब यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा सेल में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यही तो बात है कि प्रोटीन सिंथेसिस हो इसके बाद हमारे सेल में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अभी आप बस कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा वेट करना, आपके सारे डाउट जो क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये वाली जो हमारी चीज है ना, ये इसको आप बाइंडिंग साइट बोल लो, तो ये बाइंडिंग साइट क्या करती है हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जाके वहां पे अपना असर करती है। ठीक है, तो अब ये ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम यहां पर ये बाइंड करेंगे तब अंदर जाएगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारी अंदर बिना किसी को बाइंड करे भी हमारी अंदर जा सकते हैं ना, ये भी तो खतरा होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर एक हमारी प्रोटीन अटैच होती है जिसको हम बोलते हैं HSP90, या फिर और भी हमारी कुछ प्रोटीन अटैच होती हैं। तो अब इन प्रोटीन का काम क्या होता है कि ये हमारे इस बाइंडिंग साइट को रेस्ट्रिकेट करते हैं, यानी कि इसको रोकती हैं कि तुम इस न्यूक्लियस के अंदर अभी मत जाना। ठीक है, यानी कि एक तरह से आप समझो कि ये इसको रोक के रखी है कि भाई तुम यहीं पर रहो और इसके अंदर नहीं जा सकते। आप इतना समझ गए। अब हम समझते हैं असली कहानी कि हो क्या रहा है, हम इसको स्टेप बाय समझते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे समझो कि सबसे पहले क्या होगा कि हमारा यहां पर लिगेंड बाइंड करेगा। तो आप यहां समझो कि हमारा एक लिगेंड या एगोनिस्ट क्या हुआ बाइंड कर गया। कैसे, उसने पहले ये सेल की जो मेम्ब्रेन है इसको पेनिट्रेट किया, यानी कि अब इसके वो अंदर पहुंच गया। आपको ये दिख रहा होगा अंदर जाता हुआ, यहां से अंदर आया। अब यहां जाने के बाद क्या करेगा कि वो अब इस वाला जो हमारा, इसको आप प्रोटीन बोल दो या आप इसको एक बाइंडिंग साइट बोल लो या आप स्टोरेज बाइंडिंग साइट बोल दो, यानी कि ऐसी साइड है यहां पर जाके हमारा लिगेंड बाइंड करेगा। तो यहां पर हमारा क्या हुआ, अब ये लिगेंड क्या हुआ यहां पर जाके बाइंड कर गया। कौन सी वाली साइड पर बाइंड किया, जो हमारी कार्बोक्सी वाली साइड होगी ना, COOH वाली कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये वाली साइड है, इस जाके साइड पर क्या कर गया ये हमारा बाइंड कर गया। एक इसकी साइड NH2 भी होती है। ठीक है, तो जैसे ही अब हमारा ये लिगेंड या एगोनिस्ट यहां जाके बाइंड करेगा, अब ये क्या करता है सबसे पहला काम कि इसको अंदर जाने से कौन रोक रहा था, अभी मैंने आपको बताया ये वाली प्रोटीन HSP90। तो सबसे पहले ये जो लिगेंड यहां बाइंड करेगा, ये इस वाली प्रोटीन को क्या करेगा रिमूव कर देगा। अब जैसे ये वाली हमारी प्रोटीन यहां से रिमूव हो जाएगी, यानी कि ये हमारी एक तरह से रेस्ट्रिकेट कर रही थी इसको अंदर जाने से, तो अब ये क्या हो जाएगी यहां से हट जाएगी, और इसके हटते ही अब इसको क्या बन गया लाइसेंस मिल गया, परमिशन मिल गई, अब ये हमारा क्या करेगा अंदर जाएगा। और अंदर जाने से पहले एक काम और इसका हो जाता है कि ये हमारा डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम यहाँ पर समझिए दो काम हुए, जैसे ही हमारा ये एगोनिस्ट यहाँ जाके बाइंड हुआ, इसने पहले इस वाले प्रोटीन को हटाया जो भाई इसको रोक रहा था अंदर जाने से, और जिसको हटाने के बाद ये हमारा एक डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दो काम आपने यहां देख लिए। अब जैसे ही हमारा डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, अब ये हमारा काम पहुंच जाता है अंदर पहुंच जाता है। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा एक था, तो अब आपको यहां ये एक दिख गया पूरा का पूरा, और ये हमारा फिर कहां हो जाता है यहां पर दूसरा यहां पर आपको मिल जाता है।
और अंदर जाने के बाद फिर क्या काम होता है इसका, कि जैसे ही हमारा अंदर पहुंचता है ये हमारी दो चीजों से अटैच हो जाता है, एक हमारा कोरिप्रेसर या फिर अपोन में है, क्योंकि ये हमारे ना, एक बात और बता दूं कि ये हमारे है ना हर एक हार्मोन के लिए अलग अलग होते हैं और सबका काम इसमें अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर या कॉमन, मतलब कॉमन नहीं होता, सबके लिए क्या होते हैं ये पर्टिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या करते हैं, या तो किसी एक्टिवेटर से जाके कनेक्ट होंगे या फिर ये किसी रिप्रेसर से जाके कनेक्ट हो जाते हैं। तो बस यहां पर आप अमाउंट में लिख दो कि या तो को एक्टिवेटर से जाके अटैच हो जाएगा या ये क्या हो जाएगा, को रिप्रेसर। एक्टिवेटर होगा किसी चीज को बढ़ाने वाला और रिप्रेसर होगा किसी चीज को कम करने वाला, तो उन दोनों के साथ जाके ये हमारा बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा इतना कॉम्प्लेक्स पूरा बन गया कि एक हमारी ये पूरी की पूरी बाइंडिंग डोमेन आ गया या प्रोटीन आ गया, दूसरा इसके पीछे जहां पर लगा हुआ है को एक्टिवेटर या को रिएक्टिवेटर रिप्रेसर, और तीसरी हमारी यहां पर क्या लगा हुआ है ये वाला एगोनिस्ट। तो तीन चीजों का हमारे ये संगम आपको यहां दिख रहा होगा, बन गया। और ये हमारे किसमें है, डाइमर फॉर्म में, तो इस तरह आपको दिख रहा होगा। अब जो पूरा का पूरा हमारा ये मॉलिक्यूल बना है, वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हमारा क्या करता है, जीन पे आके, यानी कि जो हमारा रेगुलेटिंग मटेरियल एक्चुअल में, उस पे जाके क्या हो जाएगा, ये जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब ये यहां के क्या हुआ, बाइंड हो गया अंदर आके, ये आपने देख लिया कैसे हुआ क्या हुआ। अब क्या करेगा कि अब ये अपना फंक्शन यहां पे दिखाएगा, तो को एक्टिवेटर और को रिप्रेसर, उसी के बेस पे अगर एक्टिवेटर अटैच होगा तो वो क्या करेगा, इस जीन को एक्टिवेट करेगा और ज्यादा, और अगर रिप्रेसर अटैच होगा तो क्या करेगा, इस जीन की एक्टिविटी को क्या करेगा, रिप्रेस करेगा। और ये इसमें मतलब क्या हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है, या कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, और रेगुलेट होने की वजह से अब क्या हो जाएगा कि ये जीन में हमारी क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि अब इसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा, बदलाव होगा, नई चीज हमारी बनेगी, तो वो नई चीज हमारी क्या बनती है, यहां पर mRNA, ठीक है, आपको यहां बनेगी। अब ये mRNA का काम क्या होता है कि अब mRNA हमारा जाएगा राइबोसोम में, और राइबोसोम का एक्चुअल में काम क्या होता है, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो अब ये राइबोसोम क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस क्रिएट करेगी नई नई, और ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या करेगी कि अब ये प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन हमारी नई नई बनेगी तो ये अपना नया काम करेगी, तो अभी हमारा जो पूरे का पूरा सेल है इसमें जब प्रोटीन सिंथेसिस हमारी होने लगेगी, प्रोटीन बनने लगेंगी, तो ये कुछ ना कुछ अपनी क्या करेंगी, एक्टिविटी देंगी, और एक्टिविटी हमारी किस पे डिपेंड है, जो हमारा यहाँ पे जाके, जो हमारा यहाँ पे आके बाइंड हो रहा है, यानी कि अगर ये हमारा जैसा बाइंड होगा उसी हिसाब से हमारे यहाँ एक्टिविटी हमको देखने को मिलेगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या होते हैं, कैसे ये सारा होता है। बाकी बात करें तो हमारा क्या क्या यहाँ पर बाइंड होता है, तो कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स हमारे बाइंड होते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हो गए, एंड्रोजेंस हो गए, एस्ट्रोजेंस हो गई, ये हमारी कुछ चीजें जो जहां जाके बाइंड करती है। सिंपल है फ्रेंड, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, ये हमारा कुछ इस तरह बाइंड करता है, इस तरह हमारा इफेक्ट दिखाता है। बाकी ये वाले जो नोट्स होंगे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है डोज रिस्पॉन्स रिथम के बारे में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।